नमस्कार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन है उसमें हम आज बात करेंगे <coughs> यूनिफॉर्म मोशन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जो लास्ट जो क्लासेज हुई हैं उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी और स्पीड के टाइप वेलोसिटी के टाइप और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में बात की आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करने वाले हैं तो ये क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर कोई अगर कोई बॉडी मूव करती है अगर कोई बॉडी मोशन करती है और मोशन के दौरान वो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में और एक मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में अगर वो हमारे पास में एक फिक्स डिस्टेंस को या फिक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं अब इसमें क्या होगा अगर हम इसको आ, मतलब वर्बली इसको डिफाइन कर, करें तो मैंने आपको बताया लेकिन अगर इसको स्टेटमेंट के थ्रू आप लोग राइट करना चाहते हैं या आप इसको नोट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी देखिए यहां पे मैं लिखता हूं यूनिफॉर्म मोशन यहां से शुरू करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या करे कवर करे तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और अगले उतने ही टाइम में भी उतनी ही डिस्टेंस को कवर करे मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी होती है ठीक है तो मैंने आपको बताया क्या बताया मैंने आपको इसके लिए मैंने आपको बताया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोल सकते हैं टू बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कब बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इट अगर इट सॉरी इफ इफ इट इफ इट कवर्स इक्वल कवर्स इक्वल इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ शो एवर हाउ शो एवर हाउ शो एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल स्मॉल द टाइम इंटरवल इंटरवल्स लिख सकते हैं इंटरवल्स मे बी मे बी डेफिनेशन बन गई आपकी ठीक है यह आपकी यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन बन गई अब अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की तो वो जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा इससे उल्टा अगर हम यहां पे डिनोट करें नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब किसी बॉडी की वेरिएबल वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मोशन नहीं कर रहा है तो उसे हम वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करती हुई बॉडी को मानेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं व्हेन ए बॉडी इज नॉट व्हेन ए बॉडी इज नॉट अब इसका उल्टा करना है हमें मूविंग विद नॉट मूविंग विद विद कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी और इसका जो मीनिंग निकला है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस का तो उसका मीनिंग निकला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यहां पे वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी इसमें कांस्टेंट होगी ठीक है अब कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स मोशन इज सेड टू बी इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल सकते हैं आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज है ऊपर और नीचे वाली दोनों अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है अगर वे, मतलब बॉडी जो है वो इसमें विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अरे हाँ वेन ए बॉडी इज नॉट मूविंग हाँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में अगर बॉडी मूव करेगी तो क्या हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है टाइम के साथ या फिर दोनों ही चीज़ें वेलोसिटी और टाइम दोनों ही चेंज हो सकती हैं साइमल्टेनियसली तो उसको उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर डिनोट कर कर देता हूँ फोर ए बॉडी जैसे देखिए ऐसे लिख दें हम लोग फोर ए बॉडी टू मूव टू मूव नॉन नॉन यूनिफॉर्म टू मूव नॉन यूनिफॉर्म मोशन मोशन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज क्या करेगी वो नंबर एक पॉइंट ठीक है चेंजिंग द स्पीड चेंजिंग इट्स स्पीड मतलब इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है चेंजिंग इट्स स्पीड वाइल कब वाइल कब हो सकती है वाइल मूविंग टू मूविंग टू सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन इस केस में हो सकती है ठीक है सेकेंड जो थिंग है आपकी वो हम लोग क्या बता सकते हैं चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अब डायरेक्शन चेंज हो सकती है चेंजिंग इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन वाइल मूविंग विद वाइल मूविंग विद द सेम स्पीड सेम स्पीड में मूव हो रही हो ठीक है ये भी ले सकते हैं या फिर ये दोनों चीजें ही साइमल्टेनियसली चेंज हो सकती हैं नंबर थर्ड ये इसकी प्रॉपर्टीज है मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं चेंजिंग बोथ साइमल्टेनियसली चेंजिंग बोथ साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली ऐसे ये हो गया आपका ठीक है और अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस चीज को इस वेरिएबल वेलोसिटी को जो कि ये केसेज हमने लिए हैं यहाँ पे जो कंडीशंस ली हैं जो इससे निकल के आई हैं कि क्या क्या चेंज हो सकता है तो इस केस में हम बॉडी को बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सलरेशन में है किस में है अक्सलेशन में तो मतलब एक्सल्रेशन में है एक्सलेशन के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे अक्सलेशन के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है किसी बॉडी के लिए उसको हम एक्सलरेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सलरेशन तो पर यूनिट टाइम के लिए जो चेंजमेंट आता है उसको डिफाइन करें तो एक्सलेशन की डेफिनेशन हमारे पास में निकल के आती है जिसको हम बोल सकते हैं Acceleration ऑफ ए बॉडी देखिए मैं नोट कर देता हूं यहां पे acceleration के लिए ये लीजिए यहां से हटाया इसको ठीक है तो acceleration क्या होगा आपका acceleration को हम वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सलेशन अगर उसको और थोड़ा इजी फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं इट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में पर सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में किसी बॉडी का तो उसको हम बोल देंगे उसका एक्सलरेशन जैसे इसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है इज इक्वल्स टू एक्सलेशन इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन ये निकल के आएगा आपके पास में फॉर्मूला ठीक है इस तरीके से अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार है ये लीजिए हमारे पास में ये कोई बात है ऐसे बनाया हमने यहाँ पे हमारे पास में एक कार है ऐसे कार है आ, इस तरीके से ये हमारे पास में एक कार है ऐसे ठीक है ऐसे ये कार है आपके पास ये कार इनिशियली मूव हो रही है t1 टाइम कितना है t1 और वेलोसिटी है इसकी u Initial velocity है u और टाइम t1 के ऊपर इसने मोशन करना शुरू किया कुछ टाइम के बाद में आफ्टर सम टाइम ये कार जो है ये यहां पहुंच गई है ये लीजिए यहां पहुंच गई है आपकी कार ऐसे यहां पहुंच गई है ठीक है ऐसे पहुंच गई है ऐसे पहुंच गई है इस केस में इसकी वेलोसिटी हो गई है v और टाइम हो गया है t2 t2 सेकंड के ऊपर यहां पहुंच गई है तो जब इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन हैं इनके बीच के लिए हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो देखिए टाइम कितना है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है वेलोसिटी का तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है तो दोनों के लिए हमने जो डिफरेंस निकाला वेलोसिटी का तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये तो आ गया डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी द चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स डिफरेंस इन वेलोसिटी अब ये टी वन टाइम से टि टू टाइम के ऊपर ये चेंज हो रही है तो हमने मान लिया कि टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू टी इसको टी से डिनोट कर दिया मतलब टिटू माइनस टी वन ऐसे लिख दिया अब इस चीज़ को मैंने शो कर दिया यहाँ पे मैंने लिखा सिंस टिटू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू टी टी टाइम मान लिया दोनों का टाइम डिफरेंस सपोज कीजिए कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया तब टाइम था जीरो सेकंड और जब यहाँ पहुंची तो टाइम हो गया फाइव सेकंड तो फाइव माइनस जीरो इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन कितना आया इसका फाइव सेकंड तो उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको लिख दिया है तो अब जो एक्सलेशन होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है किससे डिनोट किया जाता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल ए तो इसी फॉर्मेट में अगर हम डालें इसको तो ए इज इक्वल्स टू क्या बनेगा देन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया क्या बन गया v माइनस यू अपॉन टी और इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया भी था कैसे बताया था शायद उस टाइम आपको ध्यान में नहीं होगा लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसी फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कैसे बोलते हैं देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा ए इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ठीक है अब इस u को मैं इधर ले आऊँ तो v बन जाएगा आपके पास में क्या बनेगा इज इक्वल टू यू प्लस एटी बना कि नहीं बना ना और मैंने आपको रिलेशन बताने के लिए कि कौन सी क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है और ये तीनों बताई थी एक फोर्थ इक्वेशन भी बताई थी जिसमें एंथ सेकेंड के ऊपर आप पोजिशन फाइंड करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट मोशन की इक्वेशन हमने फाइंड की थी बताया था मैंने इसके बारे में वो कहाँ से निकल के आई है अब आपको शायद नॉलेज हो गई होगी इस चीज की तो ये है आपके एक्सलेशन से रिलेटेड आपका सिस्टम अब इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं अब मैंने आपको बताया था कि स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं तो क्या एक्सेलरेशन क्या है स्केलर है कि वेक्टर है अब देखिए इसमें वेलोसिटी का यूज हो रहा है और वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन होती है और ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगी दैट मीनस एक्सलेशन जो है वो एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है तो वो क्या बोलेंगे हम उसको वैक्टर क्वांटिटी बोलेंगे ठीक है अब इसकी जो यूनिट बनाए अगर हम तो यूनिट के लिए देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला एक मिनट यूनिट के लिए अगर हम लिखें इसको यूनिट बनानी है हमें यूनिट ऑफ ए ए की यूनिट बनानी है तो वी बाई यू दैट मीन्स वी माइनस यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मान लिया हमने डेल्टा वी अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू टी मान लिया तो डेल्टा वी अपॉन टी आ गया डेल्टा वी अपॉन टी आ गया अब देखिए यहाँ से ध्यान से इसकी यूनिट यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे देखिए हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ध्यान से देखना आप मीटर पर सेकंड को मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी सेकंड इनवर्स हो जाएगा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तो क्या बनेगा मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स दैट मीन्स मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ये नहीं लगाए तो ऐसे अदरवाइज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट हो गई है आपके पास ऐसी इसकी यूनिट बता सकते हैं आप लोग ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं इसका मीटर का डायमेंशनल मीटर क्या है लेंथ देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ से निकालते हैं तो ये देखो यहाँ से निकालते हैं मीटर किसकी यूनिट है लेंथ की तो लेंथ के लिए सिंबल लेते हैं एल यूज में सेकंड किसकी यूनिट है टाइम की तो टाइम के लिए टी सिंबल लेते हैं और पावर कितनी लगी हुई है माइनस टू और एम है क्या मास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एम ज़ीरो हो गया और ये आपकी यूनिट बन गई इस तरीके से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं ठीक है तो ये हमने बात की है अब इसके कुछ और भी बहुत सारे आ, मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ और फिर उनको एक एक को बारी बारी से आपको समझा दूंगा तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं हाँ जी तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया है जो इक्वेशन हमने यूज में ली उससे जो कंक्लूजन निकला हमारा उस कर सकते हैं सबसे पहले देखिए एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी अब इस इक्वेशन में अगर वी ग्रेटर देन है यू से दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी फर्स्ट केस याद रखना है हमें अगर इसका उल्टा कर दें दैट मीन्स अगर वी जो है वो लेस देन है यू से वी क्या है लेस देन है यू से तो उस केस में हमारे पास ए जो है वो नेगेटिव होगा और जब नेगेटिव होगा तो उसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन बोला जाता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन ठीक है <laughs> अब देखिए थर्ड केस थर्ड केस में आपको क्या बताया गया है यहाँ से देखिए If v is to u, मतलब v or u दोनों इक्वल हैं तो उस केस में v माइनस यू जीरो आएगा तो a भी क्या हो जाएगा जीरो और a जीरो मतलब दोनों वेलोसिटी अगर जीरो हैं इसका मतलब इनिशियली जब बॉडी ने मूव मोशन करना शुरू किया था और फाइनली जब वो बॉडी मोशन करते हुए फाइनल पोजीशन पे गई तो दोनों केस में उसकी वेलोसिटी बराबर थी इक्वल थी इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही थी और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन होता है तो एक्सलरेशन नहीं होता क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही मोशन में ही क्या होता है आपका एक्सल्रेशन प्रोड्यूस होता है तो उस केस में आपके पास में ये वैल्यू ज़ीरो आ गई है ऐसे हमें इसको समझना था ठीक है अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसमें अपन बात करेंगे कुछ नुमेरिकल्स की कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ नुमेरिकल्स जो हैं आपके कोर्स में उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नुमेरिकल्स के साथ में ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे